नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल में टू टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के शामिल होने के मुद्दे पर चीन का कड़ा रुख, कहा सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना जरूरी, अमेरिका ने किया है समर्थन। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में बवाल, हुड्डा ने लगाया साजिश का आरोप, दोबारा चुनाव कराने की मांग, 14 वोट हुए थे रिजेक्ट। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा का यू टर्न, अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को सैनिक कॉलोनी विरोधी सेमिनार की इजाजत, नजरबंद नेताओं को किया रिहा। जेईई एडवांस रिजल्ट में गणितज्ञ आनंद के सुपर 30 का जलवा बरकरार, 30 में से 28 छात्रों ने हासिल की सफलता, अभी आनंद की रहमानी 30 ने भी किया कमाल। चीन की सुनयू को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बनी साइना नेहवाल, साल का पहला खिताब किया अपने नाम, दूसरी बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने चीन की सुन यू को हराते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज 2016 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में साइना ने सुन को 11 से 21, 21 से 14 और 21 से 19 से हराया। पहले सेट में इंडियन सेटलर को 11 से 21 से हार मिली, लेकिन साइना ने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरा सेट 21 से 14 से जीता। इसके बाद तीसरा सेट 21 से 19 से जीत लिया। साइना का इस साल में ये पहला खिताब है। साइना ने दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है, इससे पहले 2014 में भी उन्होंने ये खिताब जीता था। साइना सुन यू को पहले खेले गए 6 मुकाबलों में 5 बार हरा चुकी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में सुभाष चंद्रा की जीत के बाद साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने दोबारा चुनाव की मांग की है। हुड्डा ने कहा, आर के आनंद को हटाने के लिए साजिश रची गई, हमारे विधायकों को उनके पेन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें वोटिंग की जगह पर बदल दिया गया, आर के आनंद को इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए। हरियाणा में शनिवार के होते हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 14 वोट रिजेक्ट हो गए थे, इसके चलते आनंद को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं जिन 12 विधायकों के वोट खारिज हुए वे हुड्डा समर्थक हैं। आनंद की हार के बाद सूत्रों का कहना है कि हुड्डा से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। 7 राज्यों से राज्यसभा की 27 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ, उसके 12 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। हरियाणा में कांग्रेस के बागियों ने पार्टी को झटका दिया, वहीं कांग्रेस विधायकों के 14 वोट रद्द कर दिए गए। 6 केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में दोबारा वापसी करने में सफल रहे। 57 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद बीजेपी का उच्च सदन में आंकड़ा बढ़ा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में अल्पमत सरकार की मौजूदगी बढ़ाने के उद्देश्य से बीजेपी ने कुछ निर्दलियों को अपना समर्थन दिया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कांग्रेस उच्च सदन में कोई अतिरिक्त सीट न जा पाए। जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार ने अपने पहले रुख से यू टर्न लेते हुए अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को सैनिक कॉलोनी विरोधी सेमिनार की इजाजत दे दी है। महबूबा सरकार ने रविवार दोपहर नजरबंद अलगाववादी नेताओं को रिहा कर दिया। बता दें कि अलगाववादी नेता एसएस गिलानी, मीर वाइज उबर फारूक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने घर में नजरबंद किया था। शनिवार को ही 2 सप्ताह की हिरासत के बाद रिहा किए गए यासिन मलिक को फिर से गिरफ्तार किया गया था। सैनिक कॉलोनी मुद्दे पर आयोजित होने वाले सेमिनार को देखते हुए पुलिस ने यह एहतियाती कदम उठाया था। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच तीखी झड़प हुई थी। अमेरिका द्वारा भारत के एनएसजी क्लब में दाखिले के समर्थन के बाद चीन इस मामले में कड़ा रुख अपनाता दिख रहा है। रविवार को चीन ने कहा कि कौन सा देश परमाणु तकनीक से जुड़े सभी संवेदनशील पहलुओं का संचालन करने वाले इस समूह का हिस्सा बन सकता है और कौन सा नहीं, इस फैसले के लिए आम सहमति का बनना जरूरी है। चीन ने कहा, इसके लिए और अधिक संवाद की जरूरत है। गौरतलब है कि 48 देशों वाले न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत के शामिल होने की अर्जी का चीन पक्का विरोधी बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस मामले में भारत के साथ खड़े होने की बात कही है, लेकिन कूटनीतिज्ञों के मुताबिक न्यूजीलैंड, तुर्की, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी भारत के दाखिले का विरोध कर रहे हैं। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। IIT JEE एडवांस 2016 का रिजल्ट रविवार की सुबह घोषित कर दिया गया। इसमें पटना के ईशान तरुणेश को गुवाहाटी जोन में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। गणितज्ञ आनंद के सुपर 30 ने दावा किया कि उनके सुपर 30 के 30 में से 28 परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है।
पूर्व डीजीपी अभय आनंद के अनुसार उनके रहमानी सुपर 30 के 270 परीक्षार्थियों ने कामयाबी हासिल की है। गणितज्ञ आनंद के अनुसार इस साल जनरल कट ऑफ 75% है, जबकि ओबीसी के लिए 67 और SC ST के लिए 38% है। आनंद ने अपने 28 परीक्षार्थियों की सफलता का दावा इस कट ऑफ के अनुसार किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा के गे नाइट क्लब में रविवार को एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 25 लोगों के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग करने वाले हमलावर ने कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने अपनी कमर पर भी बम बांधा हुआ है। हमलावर ने कितने लोगों को बंधक बनाया हुआ है अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने नाइट क्लब को चारों ओर से घेर लिया है। पुलिस हमलावर को काबू करने की कोशिश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक ये वारदात शहर के एक गे नाइट क्लब पल्स क्लब में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही वीडियो फुटेज में मौके पर घायल लोगों का उपचार करता दिखाया गया है। जयपुर के अमन बंसल ने करीब 2,00,000 लोगों को पीछे छोड़ते हुए IIT JEE एडवांस 2016 में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर यमुनानगर के रहने वाले भावेश धींगरा, जबकि तीसरा रैंक भी जयपुर के ही कुणाल गोयल ने हासिल किया है। लड़कियों में कोटा की रहने वाली रिया सिंह ने रैंक 1 हासिल किया है। हालांकि उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 133 रही है। इस परीक्षा में कुल 36,565 छात्रों ने क्वालिफाई किया है, जिनमें 4,570 लड़कियां हैं। ओबीसी कैटेगरी में विजयवाड़ा की रहने वाली दुग्गानी जीवितेश, SSC कैटेगरी में नवी मुंबई के चिन्मया वाले, जबकि ST कैटेगरी में आंध्र प्रदेश के पुनगानूर के चैतन्य नायक मुंडे अव्वल रहे हैं। गौरतलब है कि JEE एडवांस की परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए करीब 2,00,000 छात्र छात्राओं ने JEE मेंस परीक्षा पास की थी। बिहार बोर्ड के टॉपर कांड के मुख्य आरोपी ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। शनिवार को पकड़ में आए बच्चा से पूछताछ के बाद SIT ने रविवार को बिहार बोर्ड के पूर्व चेयरमैन लाल केशव प्रसाद के दो और करीबियों को हिरासत में लिया है। बच्चा राय से छात्रों, बिहार बोर्ड और लाल केशव से जुड़े 60 सवालों पर पूछताछ की जा रही है। SIT सूत्रों ने बताया कि बच्चा राय लाल केशव का करीबी था और वो सीधे लाल केशव के चैम्बर तक पहुंच जाता था। हालांकि पूछताछ में वह खुद को बेकसूर बता रहा है और सारे फर्जीवाड़े का ठीकरा लाल केशव प्रसाद के सिर पर फोड़ रहा है। बच्चों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। बिहार में टॉपर कांड का मुख्य आरोपी बच्चा राय शनिवार को पुलिस को चकमा देकर आत्मसमर्पण करने आया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कई घटनाओं के मद्देनजर इस अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के साथ इस मामले को उठाए। बांग्लादेश में मानवाधिकार समूह हिंदू नेता धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अधिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले का मकसद धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी अवामी लीग सरकार के कामकाज को बाधित करना है। हिंदू आश्रम में काम करने वाले 60 वर्षीय नितरंजन पांडे की बीते 10 जून को संदिग्ध इस्लामवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं पर हमलों के क्रम में हिंदू समुदाय से चौथे व्यक्ति को निशाना बनाया गया है। कैराना में पलायन की खबर सुर्खियां बनी तो राजनीतिक दलों के लिए सियासी खाद का काम करने लगी। BJP ने 9 सदस्यीय जांच समिति को कैराना कूच करने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले BJP सांसद हुकुम सिंह ने ऐसे करीब 340 परिवारों की सूची जारी की थी, जो पिछले 2 सालों में कैराना से पलायन कर गए थे। उधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कैराना में अपराधियों के बेखौफ होने पर समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की शह पर यहां गुंडई हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार में नवंबर 2 आजम खान कैराना पलायन पर चुप रहे, लेकिन BJP सांसद हुकुम सिंह पर पलटवार किया। सपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंच अमर सिंह ने कैराना पलायन को मामूली घटना बताई। उन्होंने कहा कि कश्मीर से इसकी तुलना करना गलत है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चीन सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाला देश है, क्योंकि वो अमेरिका में अपने सामान उड़ेल रहा है, बौद्धिक संपदा चुरा रहा है और अपने यहाँ कारोबार कर रही अमेरिकी कंपनियों पर भारी भरकम कर लगा रहा है। ट्रंप ने पीटर्सबर्ग में अपने समर्थकों से कहा, चीन सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाला है। मेक्सिको चीन का छोटा स्वरूप है। उन्होंने कहा कि वो मुक्त व्यापार में विश्वास करते हैं, लेकिन इसे निष्पक्ष होना चाहिए। ट्रंप ने कहा, मैं नहीं चाहता कि चीन हमारे देश में इस्पात लाकर उड़ेले, और वे उड़ेल रहे हैं। वो बौद्धिक संपदा की चोरी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर वो राष्ट्रपति बनते तो चीन को नतीजे भुगतने होंगे। पंजाब के फलजीका में भारत पाक सीमा पर BSF के जवानों ने तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 पाकिस्तानी तस्करों को मार गिराया और उनकी गोलाबारी में एक तस्कर घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि ये घटना देर रात करीब 2 बजे की है, जब सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों ने सोहाना सीमा चौक के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध हलचल महसूस की। उन्होंने घुसपैठियों को ललकारा।
एक अधिकारी ने बताया दो पाकिस्तानी नागरिक मारे गए और एक अन्य घायल हो गया जिसे पकड़ लिया गया है। उनके पास से मादक पदार्थ के 15 पैकेट बरामद हुए और आशंका है कि ये पैकेट हीरोइन के हैं। उनके पास ये हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। ऐसा लगता है कि ये सीमा पार से मादक पदार्थ की तस्करी का मामला है। ईडी ने आईडीबीआई बैंक के ऋण चूक मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या और उनकी एक कंपनी की 1411 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने बयान में कहा कि यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि जांच में ये सामने आया है कि आरोपी ने कुछ संपत्तियों को बेच दिया है जिससे एजेंसी द्वारा आगे किसी कार्यवाही को हतोत्साहित किया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के तहत किसी संपत्ति को कुर्क करने का उद्देश्य आरोपी को ऐसी संपत्ति का लाभ लेने से रोकना है। आरोपी इस कार्रवाई पर पीएमएलए के निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के समक्ष 180 दिन में अपील कर सकता है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.